करंट की है। एग्जाम है तुम्हारा तो अपना पढ़ो, रिवाइज करो। जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मित्रों, हम हालांकि हम लेट हो गए थोड़ा बहुत, CHSL वाले भाइयों को हम बहुत मदद नहीं कर पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल परसों के पेपर को देख करके उसके हिसाब से जो करेंट बनेगा वो कवर करेंगे। लेकिन हम CGL के भाइयों को ध्यान में रख करके आज से हम जनवरी का करेंट शुरू कर रहे हैं। और ये करंट करंट नहीं होगा, ये पूरी तरीके से स्टैटिक होगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो करंट की घटनाएं हैं उसी के आसपास से स्टैटिक के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम या तो टाइमिंग थोड़ा सा हमारे पास टाइम नहीं लग पा रहा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मेरी क्लासेज रात को लेट तक हो रही है, जिसकी वजह से हम यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। और अब हम जल्दी ही इसके आगे के सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। अब हालांकि जो भी मेरी क्लासेस रहा करेंगे उसमें डेली का भी करंट हम करेंगे। CGL में जो करंट आएगा वो 30 अप्रैल तक आएगा, CHSL में जो भी करंट आएगा वो 31 मार्च तक आएगा। तो आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है। हमने करंट की बुकें आपके करंट का स्टडी मटेरियल, करंट का असाइनमेंट हमने पूरा का पूरा डाल दिया है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया है। तो आज एक नया कोशिश कर रहे हैं कि करंट को MCQ के बेस पर कराया करें। दिन में क्लास कर देंगे तो शायद मेरी बात बन जाएगी, आपके साथ डेली मुलाकात हो पाएगी। और मित्रों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वे बच्चे जो नए जुड़े हैं मेरे से, आपको स्टैटिक, GK और करेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बाकी ट्रेडिशनल जो GK है उसके लिए आप ये मेरी बुक चाहें तो ये ले सकते हैं, 5200। ये हम लोगों ने Sure60 ऐप पर भी अवेलेबल कराई हुई है और 5G क्लासेस पर भी अवेलेबल कराई हुई है। 5G क्लासेस पर तुलनात्मक रूप से 20 रुपीज़ कम है, और इससे कवर करें। इसके अलावा कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर के अभी भी। तो आइए हम शुरू करते हैं। 100 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे हैं, क्या करूँ? अब ये डिपेंड कर रहा है कि किस टॉपिक पर नहीं आ रहे 100 नंबर से ऊपर। मैथ में नंबर कट रहा है, GS में नंबर कट रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको बैठ के काम करना होगा। आएगा नंबर, आएगा, सबका आता है, आपका भी आएगा। चलें शुरुआत करते हैं, बिल्कुल नए तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ये कंटेंट होगा बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी भी होगा। ये आज का भी जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों, हम जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट को। मित्रों, पहला पॉइंट है लाइफलाइन एक्सप्रेस। हमने क्या किया है, आपको पैसेज के रूप में डाटा अवेलेबल करा दिया है जो एग्जाम का है, और उसको रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा का सारा हम आपके सामने रखे हुए हैं। कह रहे हैं कि लाइफलाइन एक्सप्रेस को भारत के नॉर्थ ईस्ट रेलवे में या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में हेल्थ की फैसिलिटी के लिए अवेलेबल करा दिया गया है, फ्रंटियर रेलवे में अवेलेबल करा दिया गया है। अब प्रश्न है कि किस जगह पर, कहां पर? तो भारत की एकमात्र और विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है, लुमिंडिंग डिवीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। अब जैसे हमने पहला पॉइंट यहां पे लिखा है, यहां से हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखो आपके दिमाग में क्या बन सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है, दूसरा ट्रेन लाइफलाइन ट्रेन कब शुरू किया गया, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें सभी मरीजों को हम फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, उन लोगों को जो, जैसे नॉर्थ ईस्ट एक वो एरिया है जहां पर इजिली हॉस्पिटल या इजिली हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो इस सोच से हमने ये ट्रेन स्टार्ट किया। और खासकर ऐसे समय में जब कोरोना जैसे मरीज या बहुत सारी प्रॉब्लम्स बड़ी होती जा रही है, तो वैसे में हम इनको लेकर के चल रहे हैं। तो मित्रों, पॉइंट ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या क्वारीज हो सकती है यहाँ पर, क्या क्या MCQs बन सकते हैं, तो वो हम आपके साथ एक बार स्टार्ट करते हैं। पहला,
जैसे वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, बताइए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है कहाँ पर है, जल्दी से जल्दी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंडियन रेल साइज के मामले में वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है। तीसरा क्वेश्चन, जब पहली बार रेल आई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में, और लाइफलाइन एक्सप्रेस या जीवन रेखा एक्सप्रेस जो हॉस्पिटल एक्सप्रेस है, हॉस्पिटल ट्रेन है, भारत में कब शुरू की गई। ये तीन क्वेश्चन है और तीनों का जवाब आपको देना है, असम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। चलिए बताइए, तो कहां पे है साथियों, असम, यस यू आर राइट, असम में है पहला। दूसरा पूछ रहे हैं भारतीय रेल कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे भारतीय रेल का पोजीशन है, यह आपको बताना है जल्दी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। तो आप जानते हैं कि इंडियन रेल जो वर्ल्ड लेवल पर किस नंबर पे आता है, तो ये हमारे फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है जिसमें को टोटल 18 रेलवे जोन है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन विश्व का पहला, सॉरी विश्व का कह रहा हूं, भारत का 18वां रेलवे जोन बना दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे है, तो अभी इंडियन रेल विश्व में, जल्दी बताएं, इंडियन रेल इन मैटर ऑफ साइज, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सर, मैं टाइम टेबल एक्सक्यूट नहीं कर पा रहा हूं, थर्ड इज लाउड अलाउ जी, चलो तमिलनाडु बोल रहे हैं कुछ लोग, तो यह हमारे लिए सभी लोग सेकेंड नंबर पे बोल रहे हैं, क्या सबका जवाब सही है साथियों, पहले नंबर पे कौन है बताइए, यदि आप दोस्तों साथियों यदि आप सेकेंड बोल रहे हैं तो आप सही हैं क्या, एक मिनट दोस्तों, एक अर्जेंट मैसेज है उसको रिप्लाई कर देते हैं फिर हम काम कर लेते हैं। चले, तो यदि आप कुछ और बोल रहे हैं तो आप गलत हैं, हम अभी चौथे नंबर पे आ गए हैं। चले, एक बार डाटा को आप चेक करेंगे, पहले हम दूसरे नंबर पे हुआ करते थे। दूसरा है, जब 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार 1853 में पहली बार रेलवे चली थी, कहाँ से, बॉम्बे से ठाणे के बीच में, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था, गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड डलहौजी, एशिया में हम सेकेंड नंबर पे, यस। चले, अब है कि पहली ट्रेन कब चली थी, लाइफलाइन एक्सप्रेस, तो लिख लेंगे। अच्छा, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने करंट हैं उससे रिलेटेड जो जो जीके बन सकता है वो 1991 में पहली बार चलाई गई थी। चलिए, कुछ काम का फैक्ट होगा तो वो भी हम देख लेंगे, जैसे अभी हमारे पास 18 रेलवे जोन हो गए हैं। चलिए, लेटेस्ट जो आया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन हो गया है। रेलवे बजट को सेंट्रल बजट से अलग कब किया गया था, तो रेल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट, रेल बजट को केंद्रीय बजट से 1924-25 के बजट में अलग किया गया था बाय द सजेशन ऑफ
सजेशन ऑफ एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर। यह कमेटी आई थी 1921 में, 1921 में इन्होंने कहा था कि रेलवे को प्रॉपर डेवलप करना है तो हमें अलग कर देना चाहिए। हाँ, तो हमने कहा कि इनके सजेशन से हमने 1924-25 के बजट में अलग किया और ये कमेटी आई थी 1921 में और अभी 15-16 के बजट से रेल बजट को वापस सेंट्रल बजट में मर्ज कर दिया गया। तो मोदी जी का मानना था कि हर परिवार का अलग अलग बजट नहीं हो सकता, तो ये भी एक नई सोच है। तो ये क्वेश्चन भी पहले आया करता था, अब तो खत्म हो गया। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है बताइए, इंडियाज लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा हो गया है, मथुरा, पहले दिल्ली हुआ करता था, अभी मथुरा हो गया है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है साथियों, गोरखपुर, पहले कौन सा हुआ करता था बंगाल का बताइए, खड़गपुर हुआ करता था। यस, साउथ कोस्ट रेलवे जोन कौन से नंबर का नया रेलवे जोन बन गया है, यानी अब हमारे पास कुल कितने रेलवे जोन हो गए हैं, तो अब हमारे पास कुल 18 रेलवे जोन हो गए हैं। साउथ कोस्ट इज द लेटेस्ट रेलवे जोन। चल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नहीं, इसका त्रिवेंद्रम और केरल में। वर्तमान में भारत सरकार की रेलवे और वाणिज्य मंत्रालय कौन है रेल मिनिस्टर, तो आप जानते हैं पीयूष गोयल रेलवे का भी संभाल रहे हैं और ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री का भी इन्हीं के पास है। तो अभी हमने जो भी क्वेश्चन किए उसके ये आंसर्स हैं। चलिए, अगला है FSSAI रिड्यूस द ट्रेन ट्रांसफैट लेबल्स। ये जनवरी के पहले भी का क्वेश्चन था कि FSSAI ने ट्रांसफैट वेट के लेबल को कम कर दिया है, 3% पर लाकर रख दिया है। अगले साल कितना परसेंट कर देंगे इसको, 2% हम कर देंगे। तो प्रश्न की पहले कितना परसेंट था, प्रश्न के FSSAI क्या है या इसके किस चीज से रिलेटेड है, ये क्या होता है फैट या किस चीज के फील्ड में यूज करते हैं। तो यदि आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो सारा का सारा बात हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि द नोटिफिकेशन ऑफ फर्दर रिड्यूस इन 3% बाई 2021 एंड 2% बाई 2022 इज अंडर द प्रोसेस। द रेगुलेशन इज ऑल्सो बींग एक्सटेंडेड टू फूड प्रोडक्ट हैविंग फैट्स और ऑयल्स। अब यहां पर देखो किस किस तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, FSSAI हैज रिड्यूस ट्रांसफैट लेवल इन फूड फ्रॉम अर्लियर वाट टू। अभी तक कितना परसेंट था जिसे अब कम करके 5% करने की बात आ गई है, बताइए कितना था, 5%, 5%, और अभी हम 5% से कम करके क्या कर दिए, 3% कम कर दिए। अब है कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इस्टेब्लिश अंडर द विच मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर। यदि आपने सुना कि हर्षवर्धन आए थे तो हर्षवर्धन याद करिए किस मिनिस्ट्री के पार्ट होंगे, मो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, बताइए जल्दी से। तो अभी अपने हर्षवर्धन का नाम सुना हो तो हर्षवर्धन कहां पर है, हेल्थ वाले में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहां है FSSAI का, न्यू दिल्ली में है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 2011 में एस्टेब्लिश किया गया, 2011 में स्थापित हुआ है। एक्ट कौन था, FSSAI एक्ट 2006 के तहत, और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, रीता तेवतिया। चलें, तो ये तो हो गया कि कहां पर एस्टेब्लिश है, कब एस्टेब्लिश किया गया, किसके अंतर्गत ये कार्य करने का कार्य करता है। चल, 5% से 3%, 3% से 2% का लक्ष्य। आगे अगला क्वेश्चन, FSSAI कब एस्टेब्लिश की गई बताइए, 2011 में। एक्ट कब आया था, 2006 में। FSSAI के वर्तमान CEO कौन है,
हमने चेयरमैन पूछा था, सीईओ का नाम लिख लें चाहे तो बताएंगे। सीईओ इज द अरुण सिंघल, सीईओ इसके अरुण सिंघल हैं, चेयरपर्सन रीता तेवतिया हैं और सीईओ जो है अरुण सिंघल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द नियासिन एंड द प्ले अ वाइटल रोल इन मेनी डाइजेस्टिव फंक्शन। बताइए नियासिन किस विटामिन का नाम है? सिंपली यदि थोड़ा सा भी बायो जानते हैं तब भी आप कर पाएंगे। यदि आप B3 दे रहे हैं आंसर तो आप सही हैं। चले, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्डाइज मार्क्स इट प्रेजेंट इन द पल्सेज एंड वेजिटेबल्स। दालों और सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकरण के लिए यूज किया जाता है? तो हम ये, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC का, ध्यान रखना, एग मार्क का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि करंट बेस स्टैटिक GK। चले, तो सारा का सारा जो भी हमने आपको बताया यहां पर हमने आंसर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगला हुआ है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लिस्ट। आप जानते हैं कि राजीव गांधी और भारत के बीच जब 1988 में समझौता हुआ कि साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को हम एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोडक्ट का लिस्ट देंगे, न्यूक्लियर जानकारी दिया करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे बंदी हैं उनका लिस्ट हम उनको दें, उनके बंदियों की लिस्ट हमें दिए जाए, मतलब एक दूसरे के बंदियों का लिस्ट दिया जाए ताकि उनके से सुरक्षा के लिए काम किया जा सके। तो अभी इसका बैठक हुआ है, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यह हमें देखने की जरूरत है। जैसे पहली सूची का आदान प्रदान कब किया गया, आप सोच के देखो, समझौता कब हुआ था? 1988 में हुआ था, नहीं तो पहला ट्रांसफर कब होगा? 1989 में। अब यहां पे हम चाहें तो लिख सकते हैं किसके किसके बीच में समझौता हुआ था, किसके किसके बीच में समझौता हुआ था, तो लिख लेंगे दिस एग्रीमेंट वाज डन बिटवीन बेनर्जी भुट्टो एंड राजीव गांधी। बेनर्जी भुट्टो और राजीव गांधी के बीच और इस बार का एक कौन सा नंबर का आदान प्रदान था? 27 था। और इसका हमने आंसर क्या दिया? 1989 नहीं, इसको 1992 करना। पहली बार समझौता हुआ था 88 में लेकिन पहला लिस्ट दिया गया था 1992 में। अब आ गया कि द एग्रीमेंट ऑफ साइन बिटवीन 31 दिसंबर 1988 बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर हुम। तो 1988 में कौन था? राजीव गांधी जी थे। एज ऑफ फरवरी 2021 इंडिया हैज हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑपरेशन इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये तो आपको पता होगा कि भारत में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं, इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुल कितने रिएक्टर्स काम कर रहे हैं बता सकते हैं? तो लिख लेंगे इंडिया करंटली हैज 22 न्यूक्लियर पावर ऑपरेशंस। ये एक टॉपिक हम नहीं पढ़ा पाए आपको लास्ट कुछ महीनों में स्ट्रेटेजी के में, इसको हम जल्दी कवर करेंगे। चल, हाँ रिएक्टर्स, हाँ पावर प्लांट 7, 22 रिएक्टर्स। अब आ जाइए, एशिया का पहला रिएक्टर कौन था? तो आप जानते हैं कि एशिया का पहला रिएक्टर भारत में ही बना था और क्या नाम था पहले रिएक्टर का? अप्सरा। कहां पर? मुंबई, मुंबई ट्रांबे है ना। चल, तो इस ऑप्शन आंसर का क्या हो जाएगा? इंडिया मुंबई और नेम इज द अप्सरा। चले,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? यस, किसे भारतीय अनुसंधान का पिता कहा जाता है? तो आप जानते हैं इनके नाम से ही सब कुछ है इस समय, है ना? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है कहां पर? मुंबई, ट्रांबे, है ना, महाराष्ट्र। तो इनको लिख लेंगे होमी जहांगीर भाभा, होमी जे भाभा। और फिर वही क्वेश्चन आगे पूछ लिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? मुंबई में। चलिए, रिलीजियस फ्रीडम बिल। अब देखो ये क्या हुआ है, भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है कि एंटी रोमियो स्क्वाड कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि किसी को जबरदस्ती यदि धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम आप पर केस चलाएंगे, लव जिहाद नाम दे रहे हैं। तो उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए एमपी ने भी एक नया स्टेप उठा लिया और उन्होंने कहा है कि दैट बिल इज नोन एज रिलीजियस फ्रीडम बिल, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020। इसमें यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराता है तो उस पर 25,000 रुपये और 5 साल तक का जेल है। और ये किस बिल को रिप्लेस किया गया है? रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1968 को। वंस इन्फोर्स द रिलीजियस फ्रीडम बिल विल बी मोस्ट स्ट्रेंथ इन द कंट्री। द बिल इज ऑल्सो नोन एज, अब इसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि और किस नाम से जानते हैं, द कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन बेसिस ऑफ थ्रीड्स मैरिज फोर्स एंड कंस्पिरेसी। यानी आप किसी को धर्म डरा करके, विवाह करके, धमका करके, कुछ गलत सूचना दे करके यदि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये एक पनिशेबल है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि यदि किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म के महिला से या पुरुष शादी कर लिया तो लाइफ टाइम उस पर ये डर बना रहेगा। और इफ द विक्टिम इज अ वोमेन माइनर और बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कंट्री देन एक्यूज विल बी पनिशेबल फॉर 50,000 और 10 ईयर पनिशमेंट। मीनिंग क्या, उसका डबल कर दिया गया, माइनर है तब, महिला है तब, एस सी एस टी है तब। द यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिसेंटली डाउन ग्रेड इंडिया टू इट्स लोवेस्ट रैंकिंग, इट्स 2020 रिपोर्ट। इंडिया वाज कैटेगराइज्ड एज अ टियर 2 कंट्री इन द लिस्टिंग। इसे घटना से वो कह रहे हैं कि नहीं है, हमारे देश को बांटने का प्रयास करें। अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल, इस बिल का नाम क्या है जो इन्होंने पास किया है। तो अभी ध्यान से देखो जो आंसर था, एक मिनट, हाँ बताओ इसका क्या नाम है, तो लिख लेंगे एंटी लव जिहाद, एंटी लव जिहाद लॉ। तो क्या हो जाएगा, बी, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग सच इन टू फोर्स, कौन सा पहला राज्य है जो इस तरीके के कानून को लेकर आया था? उत्तर प्रदेश। अब किस संस्था ने हमें टीयर टू के लेवल में ला दिया गया, तो USCIRF, है ना। तो प्रश्न है कि ये कहां पर बेस्ड है, कहां स्थित है, नहीं निम्नलिखित कौन सा देश की श्रेणी भारत के साथ, अच्छा भारत के साथ किसको रखा गया है ये बताना है, बताइए। किसके साथ, द मेन प्रिंसिपल रिव्यू द फैक्ट कमीशन द ऑल द कंट्रीज शेयर द फेस ऑफ, इसमें तो आंसर नहीं है यार, नहीं नहीं सवाल ये है कि जिस कैटेगरी में भारत को रखा गया है टी टू की कैटेगरी में उसको और किसको रखा गया है, तो कर देना है ऑल ऑफ द एबव, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन सबको इस कैटेगरी में रख दिया गया। वहां तो ऑलरेडी बायस्ड है ना रिलीजन को लेके, हाँ हाँ, तो इसलिए मतलब क्या कि आपके वहां जो एक समानता की भावना थी, कोई इस तरीके का एंटी जिहाद या धर्म को लेकर के आप नहीं इशू बनाते थे, आपने भी उसको बनाना शुरू कर दिया। कौन सा आर्टिकल भारत में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम देता है? तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 25-28 में रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार दिया गया है। अगला है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट पास्ड बाई द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने इस पर कब लॉ बनाया था? तो यूएन ने इस पर लॉ 1998 में बनाया था, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। यूएन भी कहता है कि नहीं, हर व्यक्ति फ्री है अपने पसंद के मुताबिक अपने व्यक्ति से शादी विवाह करने के लिए, और इस तरीके कोई निर्बंधन नहीं होना चाहिए। चलो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज अपॉइंटेड अ फर्स्ट वुमन हेड। अब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी इस तरीके की संस्थाओं में किसी महिला का अपॉइंटमेंट होता है तो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। तो द फर्स्ट एवर वुमन हेड, द सक्सीडेड अनिल कुमार चौधरी हु, और उस समय उतने तारीख को हट गए थे, सी एस द नॉट ओनली बींग द फर्स्ट वुमन फंक्शनल डायरेक्टर ऑफ सेल बट ऑल्सो द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन। प्रायर ऑफ दिस सी वॉज अ डायरेक्टर ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट बाई द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी बिफोर ज्वाइनिंग सेल एज द डायरेक्टर ऑफ नालको। आफ्टर एज्यूमिंग द चार्ज सी एड्रेस द सेल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव सेल एज अ रिच दिस दिस दिस, ऐसी ढेर सारी बातें। अब हमारे लिए नाम है कि क्या नाम है इनका, तो लिख लेंगे सेल एज अपॉइंटेड फर्स्ट वुमन चीफ सोमा मंडल, आयुषी सिंह, आकृति श्रीवास्तव और मेघना शर्मा। तो क्या हो गया, सोमा मंडल। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ सेल, सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और क्या ऑप्शन में है, कोलकाता, बताइए। नहीं पता। कितनी भारत में कंपनियां हैं हमारे पास, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, कितनी महारत्न कंपनियां हैं और कितनी मिनी रत्न कंपनियां। ये टॉपिक हमने पढ़ाया था कि नवरत्न कितनी है, महारत्न कितनी है, क्या होता है, यह आपको बताना है। सेल महारत्न है, चलो ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, अच्छा चले। लेकिन टोटल नंबर ऑफ महारत्न आर 10, महारत्न की कुल संख्या 10 है, महारत्न की कुल संख्या 10, 14 नवरत्न, 14 नवरत्न एंड तथा 74 मिनी रत्न, 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं, 74। हेड ऑफिस ऑफ सेल इज द न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वाज कंफर्म विद द महारत्ना इन अक्टूबर? किस कंपनी को महारत्ना की कैटेगरी में रखा गया अक्टूबर में? यह आया हुआ क्वेश्चन आपके एसएससी का, सीपीयू का। भेल, गेल, एचपीसीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब देख लो। यह आपके 10 महारत्ना कंपनियां हैं, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, बताइए। चले ठीक है, लिख लेंगे एचपीसीएल। HPCL, अब आपको मैचिंग करना है कौन सा गलत है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत महारत्न था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, अभी आपको लिस्ट तो दिया नहीं हमने, है ना, लेकिन आपको हमने पढ़ाया हुआ इसी चैनल पे, यदि आपने पढ़ा होता तो आप बताते। BSNL, नवरत्न है, महारत्न नहीं है,
बीपीसीएल, गेल, सीआईएल, आईओसीएल, भेल, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, है ना, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द मिनी रत्न. इनकरेक्टली मैच्ड. जहां तक मुझे लग रहा है कि ये बीएसएनएल भी नौरत्न है. हाँ, अभी हो सकता है उसका स्टेटस हट गया हो क्योंकि लॉस में चल रही है. चले मिनी रत्न. इंडिया फर्स्ट वुमेन टीम इन डिजास्टर कॉम्बैट. आपदा से निपटने के लिए भारत की पहली महिला टीम को शामिल कर लिया गया एनडीआरएफ में. फर्स्ट वुमेन टीम जो हमें शामिल की गई है. चल अब प्रश्न है कि कहां कहां, तो एक बार देख लेते हैं. एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स. और अब महिलाओं को पहली बार इसमें शामिल किया गया, तो पहला प्रश्न बनेगा कहाँ पे पहले अपॉइंट किया गया, एनडीआरएफ कब आया, ऐसे ढेर सारे प्रश्न बनेंगे. तो एनडीआरएफ कब इस्टेब्लिश किया गया है, तो एनडीआरएफ 2006 में आया है. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो लिख लेंगे चाहेंगे तो. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. इसके हेड कौन है, एसएन प्रधान. और ये किसके अंडर में कार्य करता है, तो इट इज चेयर कंट्रोल बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में कार्य करता है. हु इज करेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ, तो एसएन प्रधान. एट प्रेजेंट एनडीआरएफ हैज हाउ मेनी ऑपरेशनल बटालियंस लोकेटेड इन वेरियस स्टेट. अभी एनडीआरएफ के पास कुल कितनी बटालियंस है, तो इनके पास 12 बटालियन है. एनडीआरएफ हैज 12 ऑपरेशनल बटालियंस एट प्रेजेंट लोकेटेड इन वेरियस स्टेट. कुल 12 है इनके पास. चल हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एनडीआरएफ, तो ये हमेशा कौन होगा इसका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री. हेडक्वार्टर ऑफ एनडीआरएफ न्यू दिल्ली. लास्ट ईयर इन मई नेशनल डीआरएफ पर्सनल वे डिप्लॉयड इन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल फॉर मैसिव क्वेश्चन एज द स्टेट वेयर हीट बाई साइक्लोन. क्या नाम था उस साइक्लोन का जो जिसने उड़ीसा बंगाल जैसे हिस्से को प्रभावित किया था. हाँ बच्चे, चुनाव के वक्त की बात है, तो क्या आंसर है आपका, तो आपका गलत जवाब है, इट इज द अम्फान. हाँ, हमने क्या पूछा है, बंगाल और उड़ीसा दोनों. सेड द इट इज अंडरटेक मैसिव पॉपुलेशन ऑफ 11 लाख पीपल लाइकली टू द सर्वल इन द साइक्लोन अम्फान. चले उड़िया वाला बेल बोल रहा है बेरा. भीमा कोरेगांव की बैटल, द बैटल ऑफ कोरेगांव. ये महाराष्ट्र में है. भीमा कोरेगांव की लड़ाई को इतिहास के पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए. केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय सेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास अठावले. श्री अठावले ने कोरेगांव भीमा गांव के पास पढ़ने में लड़ाई की जीत को ये सब मतलब सिलेबस में शामिल करने की बात कर रहे हैं. इन जनवरी 1927 भीमराव अम्बेडकर ने इस स्तंभ के स्थल पर एक स्मरणोत्सव आयोजित करने का रस्म शुरू किया था. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निरंतर सकल आक्रोश और अपराधों को स्वीकार करते हुए संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम को पारित किया था. चले तो है भीमा कोरेगांव लड़ाई कब लड़ी गई थी, यह हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है. द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था, यह एक अच्छा जीके का क्वेश्चन बन सकता है.
द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव टूक इन 1818. भीमा कोरेगांव इज अ स्मॉल विलेज इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, हैज अ रिच मराठा हिस्ट्री. 200 ईयर एगो जनवरी फर्स्ट इन 1918 अ फ्यू हंड्रेड महार सोल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय द ब्रिटिशर्स डिफीटेड टू द मैसिव पेशवा आर्मी. है ना, मतलब ये लड़ाई किसके बीच, अंग्रेजों के बीच और पेशवा के बीच. अंग्रेजों ने अपनी तरफ से किसको, कुछ महार सैनिकों के, महार सैनिकों ने निम्न जाति के लोग, और इन लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेना को हरा दिया था. अगला जो क्वेश्चन था, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एक्ट वाज पास्ड इन 1989 में पास किया गया था. 1989 में पास किया गया था. चल 1989 में पास किया गया. ऑन जनवरी 1818 अ फ्यू महार सोल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय द ब्रिटिशर्स डिफीटेड टू द पेशवा आर्मी लेड बाय होम बाजीराव सेकेंड. द क्रिमेशन ऑफ भीमराव अम्बेडकर द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज. ये अच्छा क्वेश्चन है. भीमराव अम्बेडकर के अंतिम संस्कार स्थल को किस नाम से जाना जाता है बताइए. नहीं निकम परिनिर्माण महात्मा बुद्ध के ऊपर जाना जाता है, तो इट इज नोन एज चैत्य भूमि. 14 अप्रैल को तो इनका बर्थडे है. अच्छा, क्रिएशन ऑफ भीमराव अम्बेडकर इज नोन एज चैत्य भूमि और 14 अप्रैल को अप्रैल चैत्य कहलाता है, दैट इज चैत्य भूमि. ओके, अब यहां पर हम एक चीज और सीख सकते हैं. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर. यस, ये अच्छा क्वेश्चन है. तो कब शुरू हुआ था, 2004 में. हमने 89th अमेंडमेंट किया था 2003 में, और इस अमेंडमेंट से पहले 338 में एससी और एसटी दोनों था. तो हमने क्या कर दिया, 330 में एससी कर दिया और 338 ए में एसटी कर दिया 2004 में, और अभी हमने 338 बी कर दिया है 2019 में. किस अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट 103 से, ओबीसी कमीशन. तो एससी कमीशन 338, एसटी कमीशन 338 ए किस ईयर में, 2004 में. किस अमेंडमेंट से, 89th अमेंडमेंट से, और अभी हमने 103 अमेंडमेंट से 330 बी जोड़ करके एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना दी है. चले, तो भीमराव अम्बेडकर के अंतिम संस्कार स्थल को हम किस रूप में कह रहे हैं, चैत्य भूमि के नाम से. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट. कोविड-19 महामारी और आर्थिक बंदी ने दुनिया भर के गरीबों को तबाह कर दिया है, जो आधुनिक समय में सबसे अभूतपूर्व है. अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 में 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की तरफ धकेला गया है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के साथ ही अनुमान है कि और अधिक बढ़ेगा. ये उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सबसे कमजोर हैं. स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, बाहरी समस्याएं, व्यापार, पर्यटन, कमोडिटी की कीमतों के साथ साथ पूंजी के बहिर्वाह का सामना कर सकते हैं. इन देशों में शॉर्ट टर्म रिटर्न 3-8% लॉस होने की संभावना है. 2021 में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट में 4% की वृद्धि होने का अनुमान है. पूरे वर्ष में कोविड-19 के वैक्सीन पर व्यापक रोल आउट मानते हुए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ने जारी कर दिया, और चालू वित्त वर्ष में भारत का अनुमानित क्या हो गया, इंडिया एक्सपेक्टेड कंट्रैक्शन ऑफ करेंट फिस्कल ईयर इज ड्यू टू sharp decline in the household spending and private investment. There was a severe income loss in the informal sector which was accepted 4-5 of the employment as per the GEP rope. यानी एक बुरी स्थिति की कल्पना हम कर सकते हैं. 60 मिलियन बहुत बड़ा वो परसेंटेज हो गया.
अब पहला ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये टॉपिक हम लोगों ने आपको पढ़ाया हुआ है कि रिपोर्ट कौन सी संस्था कौन सा रिपोर्ट जारी करती है। यदि आप वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं तो आप सही है। एज पर रिपोर्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंटेज इन 2021, 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने परसेंट तक डिक्रीज होने के चांसेस हैं, कितने परसेंट तक हो जाएगी इंडियन इकोनॉमिक, बताइए। आंकड़े कंफ्यूज करते हैं, कोई एजेंसी कुछ देती है, चल तो ये हो जाएंगे 9.6% 2020-21 के लिए, और अगले साल तो और ज्यादा कम हो जाएगा, 2022-23 में 5.2 हो जाएगा, यानी और बुरी स्थिति हो जाएगी। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI में भारत का क्या पोजीशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब ऑप्शन वाइज 132 है तो एग्जैक्टली 131, ऑप्शन वाइज 132 ले सकते हैं, लेकिन कुछ लिखने पढ़ने के लिए तो नहीं है, वैसे बैठना है तो बैठ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, भारत में अब गरीबी का निर्धारण कौन करता है, पहले भारत में गरीबी का निर्धारण कौन करता था, पहले भारत में गरीबी का निर्धारण कौन करता था, प्लानिंग कमीशन, और अब कौन कर रहा है, नीति आयोग, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। 27 रुपये पर डे से कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं, 32 रुपये पर डे से ज्यादा कमाते हैं तो आप गरीब हैं। एक मिनट, ये है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन को हम, या पॉवर्टी अभी लाइन तो बाद में बना लेंगे, दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक एनर्जी कंजप्शन के आधार पे कितना ऊर्जा कंज्यूम कर रहे हैं, और पहले इनकम था, अभी विजय केलकर कमेटी का जो रिपोर्ट आया उसमें हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो हमने कहा कि यदि रूरल एरिया में, बताओ एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए, अरे निकम्मे स्वस्थ व्यक्ति को अपना मत बनता हो, हाँ 3200 से ऊपर चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को, 3200 से 4000 के आसपास, जो 8 घंटे मेहनत करता है, 14 घंटे पढ़ता है, उसको बहुत मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है, अभी ये क्या कहते हैं वो बताओ, रूरल अर्बन, हालांकि इन्होंने 32 और 37 दिया लेकिन भारत सरकार ने मानने से मना कर दिया है, क्योंकि उस हिसाब से गरीबी बढ़ के लगभग 28% पर पहुंच जा रही थी, मोदी का ऐसे थोड़ी ना होता है, तो अभी 27 रुपये पर डे से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और यहाँ 32 रुपये पर डे से ज़्यादा आप खर्च कर देते हैं तो गरीब नहीं है। ये है हमारा पॉवर्टी लाइन, इससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं तो आप APL है, एबव पॉवर्टी लाइन, इससे कम कर रहे हैं तो आप BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और देश के लगभग 21 पॉइंट समथिंग, लगभग 22% आबादी अभी गरीबी रेखा के नीचे चल रही है। चले यहाँ कहा गया 2200 कैलोरी पर डे ले लेते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और यहाँ कहा गया 2400 कैलोरी पर डे लेते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, तो इसका कोई लॉजिक तो समझ समझ में आता नहीं है ना, कोई रामू रिक्शा चाहे घर गांव में चलाएं शहर में चलाएं, है ना, रामू गलती से रिक्शा चला देता है शहर में पहुंच गए तो गरीब हो गए, सॉरी अमीर हो गए, गांव में चले गए तो गरीब हो गए, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि गांव के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, शहर के लोग फिजिकल वर्क कम करते हैं तो उनको कम एनर्जी चाहिए, अभी लॉजिक कितना सही है पता नहीं, लेकिन ये झूठी बात है, इतने में आदमी जिंदा नहीं रह सकता, और जिंदा है तो हाँ ये गलत बात है, मतलब मजाक है ये।
लेकिन चलो देश में बहुत सारे ऐसे झूठ चलते रहते, तो उसमें से एक झूठ ये भी। चलो, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021। सोच के देखो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी खुद माइनस की तरफ मूव कर रही, तो कौन सा है इनके हिसाब से? -7.5%। सब कुछ निगेटिव, पता नहीं कहाँ से कोरोना क्या उत्पन्न हो गया। अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंडिया विल बिगन द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई, है ना, कब तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनेगा? अभी पांचवें नंबर पे है ना। कई बार हम जापान से पैसा लेकर उसी को पीछे कर देते हैं, तो देखते हैं। तो इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक बिजनेस टाइम, इंडिया विल बिकम इन थर्ड पोजिशन इन 2030। ये करें कि 2025 तक तो हम और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, 2030 में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन शर्त क्या है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री रखना होगा, तब 5 ट्रिलियन हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट वैक्सीन न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन है ना, ये हमारे वैक्सीन का नाम है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इस खुराक की संख्या टीके की दुनिया में सबसे बड़ी निर्माता और भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देते हुए हर्षवर्धन ने टिप्पणी की है कि इसे 170 देशों को उपयोग किया जाएगा, भले भारत के सभी लोगों को न मिले। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि SIPL विकास किया और COVID-19 महामारी के दौरान भारत से प्रथम स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का लाइसेंस प्राप्त किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दर्शनों के अनुरूप था। तो हमारे जीके का एक तो पॉइंट हो जाएगा, पहला हमारा आत्मनिर्भर वैक्सीन कौन सा है, कौन सी संस्था बनाती है ना। चले देख लेते हैं कि करके बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूमोकोकल कंजक्शन वैक्सीन? भारत के न्यूमोकोकल कंजुगेटिव वैक्सीन का नाम क्या है? निमो शेल, ठीक है। मतलब अभी ये आपको सबको पता है कि निमो को कल निमो, लेकिन वैक्सीन का नाम क्या है एग्जैक्टली ये किसी को नहीं पता है। अब ये तो इसने आसान कर दिया ऑप्शन देके, यही दे देता सीधे तो 90% लोग उसी को अटेम्प्ट करते। और किसने बनाया इस वैक्सीन को? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड? चेन्नई, पुणे, मुंबई, नागपुर। पुणे महाराष्ट्र। इसके सीईओ कौन है? आगे है क्या ऑप्शन? हाँ, आधार पुणे वाला, पुणे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज डेवलप्ड बाई SII फॉर द फाइटिंग द कोरोना वायरस? नीचे हमने पढ़ा था ये लास्ट लाइन, तो क्या था? ये लास्ट लाइन आप पढ़ो यहां पे, COVID-19 महामारी के दौरान स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PBC का लाइसेंस दिया गया है। है यहां पर नाम नहीं देते, ठीक। तो इसका हो जाएगा कोवशील्ड, यस। द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक वैक्सीन कोवशील्ड इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड लोकली बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाँ, ये कोविशील्ड है। हु इज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर, यह भारत की पहली महिला मंत्री भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? तो आपने बचपन से पढ़ा था बी फॉर बेरी बेरी और ऐसे कुछ, हालांकि बेरी बेरी किसी और से होता है, रिकेट्स, रिकेट्स डी से होता है, ठीक, ए से होता है। तो ऐसे याद करते थे, ए से अंधापन, बी से बेरी बेरी, सी से खट्टे फल और सी, डी से सूखा रोड। इंडिया फर्स्ट
पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला प्राकरण पड़ता करता पार्क, किसके लिए? तितलियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए, है ना, प्राकरण की सुविधा उपलब्ध हो। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? 4 एकड़ में विकसित किया गया। विकसित करने के लिए इसका उद्देश्य इनको जीवित रखना है ताकि पोल्यूशन के इफेक्ट को समाप्त किया जा सके, पौधों की मौजूदगी को बढ़ाया जा सके। तो चलिए, इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क हैज बीन ओपन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब देखो, दो दो क्वेश्चन बन सकता है, किस राज्य में शुरू किया गया? तो जगह उत्तराखंड, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो नैनीताल के हल्द्वानी में। उत्तराखंड इज ऑफन रेफर्ड, कभी कभी उत्तराखंड को जाना जाता है क्योंकि मेनी हिंदू टेम्पल्स एंड पिलग्रिम सेंटर्स आर फाउंड इन स्टेट। राम भूमि, लक्ष्मण भूमि, देवभूमि, दीक्षा भूमि। तो ऑप्शन ही चीख के कह रहा है कि मैं हूं, है ना। छब्बीस सत्ताईस और अट्ठाईस तीन राज्य एक साथ बनाए गए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। उत्तराखंड को हमने 9 नवंबर को बनाया था, किससे अलग करके? उत्तर प्रदेश से। चले, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? आचार्य देवव्रत, आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य और नन ऑफ द एबव। बेबी रानी पक्का? चले, और सीएम? तो वो भी तो त्रिवेंद्रा में थे। हाँ, तो वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अब चलो, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, देवभूमि। तो उत्तराखंड का दो कैपिटल हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट फॉर समर एंड देहरादून फॉर विंटर। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी चमोली। चल, तित्रा राम, तीर्थ राम रावत। ओके, तीर्थ राम रावत। तो याद रहेगा, समर कहां पर? चमोली। और विंटर कहां पर? देहरादून में। चलिए, अगला है, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड एट। ये तो आसान क्वेश्चन है, नैनीताल। यस, जीएसटी, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा किसी टैक्स का कलेक्शन हुआ है तो जीएसटी का ही हुआ, सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 1 जनवरी 2021 को एक बयान में कहा गया कि जीएसटी अधिनियम के तहत राज्यों को भी हम जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। और जीएसटी लागू होने के बाद दिसंबर 2020 के दौरान जीएसटी राजस्व सबसे अधिक रहा है। यह पहली बार है जब इसने 1.1 लाख करोड़ रुपये को पार किया है। अब तक का सबसे उच्चतम जीएसटी अप्रैल 2019 में हुआ था, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता है? निकम। भारत सरकार को सबसे ज्यादा आता है कॉरपोरेट टैक्स से, दूसरे नंबर पर जीएसटी। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। किस अमेंडमेंट से? In India, GST based on dual GST model is taken from. भारत का GST का मॉडल किस देश का मॉडल है? तो भारत का GST का मॉडल कनाडा का है। विश्व में सबसे पहले GST को लागू करने वाला देश फ्रांस है। इंडियन GST इज बेस्ड ऑन, भारत का GST किस पर डिपेंड करता है? डिप्रेशन, डेस्टिनेशन, डेवलपमेंट, ड्यूरेशन। डेस्टिनेशन बेस्ड है, कौन इसको कंज्यूम करेगा वही इसको पे करेगा। HSN नंबर का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSN?
जीएसटी भारत में किस किस रेट पे लग रहा है? हाँ बताइए। जीरो कोई रेट है क्या? हाँ तो रेट नहीं हुआ। 2.5 है, 5%, 12%, 18%, 28%। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला 18%। चार ही रेट है। तो इसका फुल फॉर्म हार्मोनलाइज सिस्टम फॉर नेमेनक्लेचर। जीएसटी किस आर्टिकल के तहत है? 279A आर्टिकल के तहत है। एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि क्या रेट होगा, कैसे बटेगा, कैसे क्या होगा, सारा का सारा। टेस्ला भारत में एंट्री कर चुकी है ना? तो टेस्ला सड़कों पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आ रही है। कंपनी ने चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्ज स्टेशन खोला है। नए चार्जिंग स्टेशन टेस्ला ने कैलिफोर्निया में खोले गए 56 स्टालों के साथ ईवी सुपर चार्जिंग स्टेशन के अपने रिकॉर्ड को समाप्त किया या तोड़ दिया। स्टेशन इलेक्ट्रिक के अनुसार जिंटन इंटरनेशनल सेंटर में स्थित है। सुपर चार्जर 120 केवी की चार्जिंग क्षमता के साथ आते हैं, जबकि कैलिफोर्निया में सुपर चार्जर्स को 250 केवी की चार्जिंग स्पीड मिलती है। नई चार्जिंग सुविधा चीन के बाजार के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाल ही में कंपनी ने पिछले साल के अपने बिक्री के आंकड़ों की घोषणा की और इसकी बिक्री लगभग 36% बढ़ी है। चले, लेकिन इसका जो लक्ष्य था 5 लाख का, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अब प्रश्न है कि टेस्ला ओपन द वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर चार्जर स्टेशन इन चाइना इन विच प्लेस? टेस्ला ने विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है किस जगह पर? चाइना में शंघाई में। टोटल कितने चार्जिंग स्टॉल लगाए इन्होंने? यहां पर 72 चार्जिंग स्टॉल एस्टैब्लिश किए हैं। द कंपनी नेम इज ट्रिब्यूट टू इन्वेंटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। किसके नाम पर इन्होंने, एलन मस्क ने यह नाम रखा है? बताइए। निकोला टेस्ला को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था, तो उनके सम्मान में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही रख दिया। रिसेंटली एलन मस्क सीईओ ऑफ कंपनी हैज बिकम द रिचेस्ट मैन इन वर्ल्ड, है ना? हालांकि फिर दोबारा हट गए, कुछ ही पल के लिए थे। तो अभी ये बता दो कि फिर पहले नंबर पे कौन है, तो आप समझ जाओगे, है ना? जेफ बेजोस की कंपनी का नाम क्या है? अमेजन। उन्होंने दुनिया का ऐसा मॉडल बना दिया, करना कुछ नहीं है, खरीदेगा कोई, बेचेगा कोई, कमाएंगे हम, बस प्लेटफॉर्म बना दिया गया। चलो, और पूरे कमाई, पूरे सेल का कितना परसेंट हमारा? 40%। मालिक भी उतना नहीं कमा सकता और कुछ नहीं करना है। हाँ, टेस्ला कंपनी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? टेस्ला कंपनी कब बनाई गई थी बताइए। 2003 में बनाई गई थी, 2003 में, है? किसी और की कंपनी थी। 2008 से ये इसके सीईओ बन गए हैं। चलो, इन्होंने भारत में भी कहीं पे अपना प्लांट एस्टेब्लिश किया है। तो टेस्ला ने भारत में अपनी कंपनी की शुरुआत की है, जिसे 8 जनवरी को किस शहर में टेस्ला मोटर्स के नाम से, दैट इज द बेंगलुरु।
इंडियाज टेन्योर ऑफ UNSC, है ना? आपने पढ़ा होगा कि 2021-22 के लिए भारत को 8वीं बार टेम्परेरी मेंबर के रूप में चुना गया है। और 2021 में भारत नॉर्वे केन्या आयरलैंड और स्थाई एस्टोनिया नाइजर सेंट विंसेंट और इनके साथ काम करेंगे। आप जानते होंगे 15 मेंबर होते हैं, 5 टेम्परेरी और 10, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। भारत ने 2011-12 में सुरक्षा परिषद में की भूमिका निभाई थी, इससे पहले 2011-12 में रहे हैं। जयशंकर ने कहा था सदस्यता के दौरान भारत की प्रमुखता आतंकवाद विरोधी होगी, चले टेररिज्म के अगेंस्ट काम करें। कुल कितने परमानेंट, हाउ मेनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर? 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गवर्नमेंट गिव द बिड फॉर द नॉन परमानेंट सीट इन फेवर ऑफ इंडिया? किस देश की सरकार ने 2013 में भारत के पक्ष में गैर स्थायी सीट के लिए अपनी बोली, मतलब खुद कहा कि ठीक है जी मेरी जगह पे इनको नियुक्त कर दो, हम नहीं आएंगे? तब सोच के दिमाग लगाओ, पक्का एशिया का ही होगा कोई? एक मिनट, भारत को कौन सी बार चुना गया है? 8वीं बार चुना गया नॉन परमानेंट मेंबर। इनके आंसर कहाँ चलेगा भाई? तुमने पास थे ना इसके आंसर? नहीं, भूल गए, ये दिक्कत है। ये बात दिमाग में रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अगले 3 महीने बाद के लिए पढ़ रहे हैं, 4 महीने बाद के लिए, तो उस समय तक याद रखना है। अच्छा, ज्यादा दे तब दिक्कत, ना दे तब दिक्कत, खुश होना चाहिए कि इतना दे रहे हैं। बहुत क्वेश्चन बना दिए इन्होंने इस पे। तो यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन द परमानेंट मेंबर ऑफ 192 एंड फिर मैक्सिमम अदर स्टॉप देन वन मैक्सिको केन्या नॉर्वे एंड आयरलैंड। इसको तो खैर अभी चेक करोगे क्या एक बार? ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी, फॉर विच टाइम? 8 टाइम, 8वीं बार। व्हाट मेजोरिटी ऑफ मिनिमम वोट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट होने के लिए कितने सदस्यों, कितनी मत होना कंपलसरी है? थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तब भी कर जाओगे इसको। तो इट इज 2/3, 2/3। और अभी यूएन जनरल चेयरमैन कौन है महासभा के? महासभा के चेयरमैन कौन है? और इसका जो क्वेश्चन था ये था, इसका आंसर अफगानिस्तान। अब मिले ना मिले छोड़ दो, हो गया अफगानिस्तान, मिल गया ये हटा दो अफगानिस्तान। चले Who is the chairperson of? आप जानते होंगे कि महासभा की बैठक साल में एक बार होती है, सितंबर में 3rd मंगलवार को। तो इसका चेयरमैन किसको बनाया गया? तो तुर्की के बुलान, अच्छा इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था, तुर्किस डिप्लोमेट बुलान बुजकिर वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75 है ऑप्शन में, बुलकान बुजकिर है नहीं? अच्छा 74 का पूछा गया है, ठीक है ठीक है। तिजानी मोहम्मद बंदे। अब आ गए हैं 75 वाले, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट के पॉइंट व्यू से। बोलकान बोजकीर, ये तुर्की से हैं, तुर्की के हैं।
साल में एक बार बैठक होती है और ये एक साल के लिए रहते हैं। और आप जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो होते हैं उनको मंथली बेसिस पर एक बार चेयरमैन का मौका मिलता है। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा था कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं 15, उनको एक एक महीने के लिए चेयरमैन बनाया था अल्फाबेटिकली, तो भारत का नंबर कब आएगा ये पूछा जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक मतलब क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 76 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर कर लो अगस्त 8वें महीने में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिजेक्ट द एडिशन ऑफ द फर्दर कंट्रीज इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब सोच के देखो, यूएन में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर ना बने ये कौन विरोध करेगा? जो 5 परमानेंट मेंबर होंगे वही विरोध करेंगे। 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस और रसिया। तो ये ट्रिक याद रखना है, ABC और फंडामेंटल राइट। या ही गया कि 75 में किसको चुना गया है, तो क्या लिखा था इसमें आपने? बोलकान बोचकिर, मिस्टर जयशंकर गेव इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द इट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉर्म्स, व्हाट वाज डज स्टैंड फॉर्म्स। नॉर्म्स का जो इन्होंने नॉर्म्स वर्ड दिया है, इस नॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्म्स का फुल फॉर्म क्या है तो लिख डालते हैं, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रूटीन मेडिएशन सिस्टम। चलो एक मिनट 79, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म, ये ठीक करना है, डी ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। चले इंडिया, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइन एज द नॉन परमानेंट मेंबर इन द पैसेज। अभी हमने जो पढ़ा था तो वहां पर हमने एक नंबर पे छोड़ा हुआ था, हैं? बताइए, थोड़ा सा दिमाग में यदि आपके होगा तो कर जाएंगे। दैट वॉज द मैक्सिको। करेंटली हु इज सर्विंग द 99 सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। इन विच ईयर यूएनओ अवार्डेड द नोबेल प्राइज? तो आप जानते हैं कि यूएनओ को 2001 में हमने नोबेल प्राइज दिया था, किसके साथ? कोफी अन्नान के साथ। अन्नान यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे और 1961 में दाग हम्सकर्ट को दिया गया था। तो दो बार मिला है सेक्रेटरी वाइज, और यूएन वाइज एक बार ही मिला है 2001 में। मतलब ये पूछा यूएन को कितनी बार, तो एक बार। कितने यूएन सेक्रेटरी को? 2 यूएन सेक्रेटरी को। जो दूसरी बार मिला 2001 में शेयरिंग बेस पर 50% अमाउंट यूएन को और 50% कोफी अन्नान को। यूएन कब बना था तो हमने पढ़ा था 24 अक्टूबर 1945 को हम क्या मनाते हैं? यूएन डे मनाते हैं, और इसी 24 अक्टूबर को हम पोलियो डे भी मनाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से अपॉइंट होने वाला पहला जज कौन था? नगेंद्र सिंह थे। नगेंद्र सिंह पहले जज के रूप में थे। एक मिनट अच्छा, चीफ पूछा है ना? हाँ, फिर ठीक है, चीफ नगेंद्र सिंह। यदि ये पूछा जाए कि पहला जस्टिस जो गया था वो गया था RS पाठक, हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हाँ, 4 लोग भारत की तरफ से जा चुके हैं, RS पाठक, नगेंद्र सिंह और सर बेनेगल राव, लेकिन चीफ जस्टिस तक सिर्फ नगेंद्र सिंह पहुंचे हैं।
द करेंटली परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन, अभी भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव है, तो लिख लेना दलबीर भंडारी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जज तो जज ने पूछ रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक, एक सेकेंड। टीएस त्रिमूर्ति, दलबीर भंडारी कोर्ट में हमारे जज में, टीएस त्रिमूर्ति। तो ये जनवरी के पहले वीक पर इतने क्वेश्चन बन गए। कल इसके आगे हम कोशिश करेंगे 3-4 घंटे आपके साथ डिस्कस करें, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज भी करेंगे। अच्छा, ये जो वन लाइनर्स थे हमारे वो आपने पढ़े हैं तो वो इफेक्टिव है? चलें एक बार कल इसके आगे एमसीक्यू और डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए सेशन यही खत्म करेंगे, कल हम फिर आपका, कल से बल्कि हम करेंट डेली वाला ही एक बार 10 मिनट और कराया करेंगे, जो नॉर्मल सेशन रहा करेगा उसके साथ मार्च तक। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।